दोस्तों कहते हैं कि जब कोई चीज़ यकीनी होने वाली होती है तो उसके होने के असबाब भी पहले से ही पैदा हो जाते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के असबाब भी कुछ इसी तरह पैदा हुए। हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिली। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान शराबी जिनाकार था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो वो ये बात समझ गया था कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम मेरी बैत को माने, और अगर वो ये बात नहीं मानते हैं तो उन पर जुल्म सितम करो, उन्हें तकलीफ पहुँचाओ। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद फासिक व फाजिर है, जानी और शराबी और जालिम है। चुनाचे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का शरीफ की तरफ तशरीफ ले गए। मक्का शरीफ पहुँचने के बाद आपको कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे, और उन खतों में ये लिखा गया कि इमाम हुसैन आप कूफा में तशरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, अब आपसे बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। आपने वहाँ के हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ी ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में 18,000 लोगों ने बैत कर ली। ये देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया। इस खत में आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, और 18,000 लोगों ने बैत का हाथ भी बढ़ाया है, लिहाजा आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आइए। लेकिन जब यजीद ने इन लोगों को धमकियां दी तो वो लोग अपने वादे से फिर गए, और धोखे से हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। मोहतरम दोस्तों, कूफा के हालात इस कदर बदल चुके थे कि वो लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया करते थे, उनके हाथ में हाथ दिया था, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। और वहीं दूसरी तरफ मक्का शरीफ में मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आइए। वो खत पढ़ने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हो गए। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे कि आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जब यजीद की कमबख्त फौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल दिया। चलते चलते आप एक चटियल मैदान के पास पहुंचे तो आपने एक शख्स से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि इस जगह को करबला कहते हैं। ये सुनते ही आपने फौरन अपने पूरे काफिले को ये हुक्म दे दिया कि यहीं पर खेमा लगा लिया जाए, और इस तरह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला में पहुंच गए। इधर यजीदी फौज को जब इस बात का पता चला कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगा लिया है तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीदी फौज जो करबला पहुंच रही थी उनके सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो, लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की, और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने भी उसकी एक ना सुनी। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम की तारीख आ गई। जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज डाला। दोस्तों दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें
औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, किस कदर हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी उनका मुकाबला किया जा सकता है। अब 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। करबला शरीफ में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के खेमे वालों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान वो तो प्यास बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की शिद्दत से बुरा हाल हो चुका था। फौजी यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वालों को और तमाम साथियों को घेरे हुई थी, उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो कि मैं एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए चाहता हूँ। जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत मांगी तो जैसे तैसे करके उन्होंने ये बात मान ली। जब मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख आई तो हजरत इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। चुनाचे हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने उनसे कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी अभी वापस लौटना चाहता है वो लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन ने खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक बगैर किसी शर्म के चला जाए। फिर थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा रोशन किया गया तो सारे के सारे लोग बैठे हुए रो रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ ही गया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद के एक बड़ी फौज थी, वहीं दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में अचानक फौज यजीद का हमला शुरू हो गया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं, कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी औनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले तमाम यजीदी फौज से जंग करते गए और एक एक करके शहादत का जाम पीते गए। अल्लाह अल्लाह, वो मंजर के जब हजरत अब्बास अलंबरदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही थी। आपने एक मशकीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने पानी भर लिया। जब हजरत अब्बास पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीद की फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंचे, तब तक यजीद की फौज ने तीर चला चला कर हजरत अब्बास लंबरदार को शहीद कर दिया गया। इस तरह हजरत अब्बास लंबरदार रदी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हो गए। मोहतरम दोस्तों, एक एक करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम अली मकाम तनहा काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले ही मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के अकेले होने के बावजूद भी खौफ के मारे आपके सामने मुकाबले के लिए कोई भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये अली इब्ने अबी तालिब का शेर है। जब यजीदी फौज के कमांडर इब्ने साद को ये यकीन हो चुका था कि अब हम किसी भी हाल में हजरत अली के इस बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसने अपने तमाम लोगों को हजरत इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दे दिया। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया
कि बातिल की तादाद चाहे कितनी भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। दोस्तों, जब हुसैनी और यजीदियों के बीच में खतरनाक जंग चल रही थी तो उसी बीच में अचानक नमाज असर का वक्त हो गया, लिहाजा आप नमाज पढ़ने लगे। हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया तो यजीद को वो मौका मिल गया कि जिसका वो बहुत पहले से इंतजार कर रहा था। यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए, शिम्र ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया, अल्लाहु अकबर। और इस तरह हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु ताला अन्हों ने शहादत का जाम पी लिया। यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेजे पर रख कर पूरे कूफा में घुमाया, आपके सर मुबारक को गली गली घुमाकर जुलूस निकाला। दोस्तों, करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी कि जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया। मोहतरम दोस्तों, उस वक्त भले ही हजरत इमाम हुसैन को धोखे से कायरों की तरह वार करके पीठ पीछे शहीद कर दिया गया हो, लेकिन उस वक्त से आज तक बिफजलिह ताला हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया वालों के लिए जिंदा हैं, जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह।